Hello everyone, my name is Anjali and we at Straight Zero are trying to help you to pace up your preparation for all the upcoming exams. The major focus area is UP PET जो अभी अक्टूबर में होने वाला है एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द सेवेंथ लेक्चर इन द सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स. अभी तक हमने अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स कवर किए हैं, तो प्रीवियस मंथ्स की रिविजन के लिए ट्राई टू विजिट द प्रीवियस वीडियोज एज वेल, दैट इज 1 to 6 ऑल इंडिया करंट अफेयर्स MCQ वीडियो. तो इट विल रियली हेल्प यू टू कवर ऑल द टॉपिक्स in a quick manner. So let's just start with today's questions. Question number one. At which of the following places India's first center of excellence for khadi is opened? निम्नलिखित में से किस स्थान पर खादी के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है? तो आंसर इसका है ऑप्शन में से नोएडा, न्यू दिल्ली, मुंबई, कानपुर में से आंसर इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर खादी इज बीन ओपन्ड. जो खादी का कॉन्सेप्ट है, जो खादी का प्रोडक्शन है, इट इज रिलेटेड टू MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? नारायण राणे के अंडर आती है, जो इनॉगरेट कर रहे हैं ये एक्सलेंस फॉर खादी इन न्यू दिल्ली. इसका फंक्शन क्या रहेगा मेरे पास इस सेंटर का? इस सेंटर को बनाया गया है फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन एंड डिजाइन फॉर द खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, जो KVIC ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, इनोवेट कर सके, नए डिजाइन ऑफ खादी निकाल सके, उस चीज के लिए हमारे पास दिस सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर खादी को प्रमोट किया गया है, इसको बनाया गया, इनोग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में. आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे गांधी जी है जो एक व्हील स्पिन कर रहे हैं, मतलब स्पिनिंग ऑफ व्हील यहाँ पे दिखाया गया है. गांधी जी वॉज द पर्सन जिन्होंने खादी को प्रमोट किया था इनिशियल. अगर हम लोग इनिशियल डेज ऑफ खादी की बात करते हैं तो इट वॉज स्पेसिफिकली ऑन 7th of August 1905 में, जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था. तो स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअली किस चीज के लिए प्रमोट किया गया था? मेक इन इंडिया के लिए, मतलब आप खुद से बनाओ, स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज करो इंस्टेड ऑफ द फॉरेन गुड्स. तब खादी को प्रमोट किया गया था और 7th अगस्त को हम लोग आज भी सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल हैंडलूम डे. तो हैंडलूम डज रिप्रेजेंट खादी इन इंडिया. डेज एंड डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल. हर मंथ में से ईयरली हमारे पास ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में, तो डेज एंड डेट्स ट्राई टू कवर अकॉर्डिंगली. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. हर इंग्लिश क्वेश्चन के बाद हमारे पास हिंदी का एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसको रोको, पॉज करो और पढ़ दो. यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने KVIC, जो हमने पीछे बात किया, KVIC जो खादी उद्योग है उसका लोगो क्या है, उसका मोटो क्या है, इट इज बीन मेंशन हेयर इन द डायग्राम. इट्स कामे दुख प्रणामम प्राणिनाम आतर नाशनम, दिस इज द मोटो ऑफ KVIC, खादी और ग्रामो योग आयोग का, दिस इज द मोटो. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज भारत ड्रोन महोत्सव 2022 इनॉगरेटेड. तो जो भारत ड्रोन महोत्सव है वो इनमें से किस जगह पे इनॉगरेट किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस में न्यू दिल्ली, मुंबई, नोएडा, कानपुर. सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, न्यू दिल्ली. है ना, न्यू दिल्ली का पर्टिकुलर लोकेशन क्या रहा? इट इज प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, जहां पे PM मोदी ने इसको इनॉगरेट किया और ये 2 दिन का इवेंट था. क्या चीज शोकेस किया गया? वाई दिस बीन सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे शोकेस किया इन्होंने वेरियस फंक्शंस ऑफ ड्रोन. इनफैक्ट जो मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोकॉल है उसको भी यहाँ पे शोकेस किया गया. तो जो भी डेवलपमेंट्स इंडिया में ड्रोन्स को लेकर हो रही है उन सबका डिस्प्ले लगाया गया इस महोत्सव में. ड्रोन कुछ ऐसा नजर आता है. तो 27th May 2022 को प्रगति मैदान में सेलिब्रेट किया गया भारत ड्रोन महोत्सव.
ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन। दीज आर वेरियस मॉन्यूमेंट्स, जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो दिल्ली में है हमारे पास, उनके बारे में एक छोटा सा आउटव्यू। रेड फोर्ट है, इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट का भी नया बिल्डिंग भी बनाया गया है, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो रेलवे, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, अक्षरधाम, जामा मस्जिद, सम इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है ना दिल्ली में जो हमारे पास हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, अदरवाइज अपने हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव के लिए भी दे आर इम्पॉर्टेंट। क्लियर? द हिंदी एक्सप्लेनेशन इज हेयर, अपने जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसको पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इन द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन द थॉमस कप? थॉमस कप इनमें से किस कंपनी ने सॉरी किस कंट्री ने जीता? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। तो थॉमस कप के विनर्स इस बार कौन रहे हैं? इट इज इंडिया। इंडिया ने हराया इंडोनेशिया को टू विन द थॉमस कप। तो इंडिया डिफीटेड द 14 टाइम चैंपियंस इंडोनेशिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया ने थॉमस कप जीता और इंडोनेशिया को हराया, जो पिछले 14 टाइम से जीत रहा है लगातार। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। इन द 73 ईयर हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट ओनली फाइव नेशंस हैज वन द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। उन पांच कंट्रीज में एक इंडिया बन गया है। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है और एक यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ऊबर कप। थॉमस कप और ऊबर कप दोनों ही बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं। थॉमस कप का एक और नाम है, दैट इज मैन टीम चैंपियनशिप। मैन टीम चैंपियनशिप एंड जो ऊबर कप है ये है मेरे पास वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि जो मेंस कैटेगरी है उसको थॉमस कप बोला जाता है, जो वुमेन्स कैटेगरी है उसको ऊबर कप बोला जाता है। तो ऊबर कप के विनर्स कौन थे इस बार के? ऊबर कप वन बाय साउथ कोरिया। द विनर ऑफ ऊबर कप फॉर दिस ईयर इज साउथ कोरिया एंड दे डिफीटेड चाइना। तो अब दोनों के हमें विनर्स का पता है, थॉमस कप के विनर रहे इंडिया एंड ऊबर कप के विनर रहे साउथ कोरिया। और इसका वेन्यू क्या था थॉमस कप एंड ऊबर कप का? दिस ईयर इज बैंकॉक थाईलैंड। द कॉम्पिटिशन द कप द गेम्स हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। आई होप दिस इज क्लियर। द सेम इंफॉर्मेशन इज गिवन है एंड आई हैव ऑल्सो मेंशन कि इंडिया ने किसको हराया इस कप में। इंडिया डिफीटेड इंडोनेशिया दिस ईयर और 3-0 से हमारे पास हराया गया है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया का करेंसी कैपिटल बता सकते हैं मेरे को कोई? करेंसी कैपिटल्स आर इम्पॉर्टेंट, हर स्लाइड में मैं चीज बता रही हूँ। तो यस, इंडोनेशिया का करेंसी कैपिटल भी इम्पॉर्टेंट है। ट्राई टू आंसर दिस मी इन द चैट बॉक्स के इंडोनेशिया का करेंसी एंड कैपिटल क्या है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया साइंड एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर कॉपरेशन इन डिप्लोमैटिक ट्रेनिंग? भारत हेल्प कर रहा है किन कंट्री, किस कंट्री का कि डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग दिया जाए, अपग्रेडिंग हो, हमारे पास कंपटीशन बढ़े। ऑप्शंस है स्वीडन, रशिया, जमाइका, यूएसए। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज सी, इट इज जमाइका। इंडिया जमाइका की हेल्प कर रहा है डिप्लोमेटिक कॉपरेशन के लिए, ट्रेनिंग इन डिप्लोमेटिक कॉपरेशन के लिए। इंडिया जमाइका साइन द एमओयू। एमओयू स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसा कह लो कि अग्रीमेंट्स। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एमओयू। जमाइका की बात कर दो तो जमाइका ऑन द मैप आपको ये लोकेशन नजर आ जाएगी। इट इज एन आइलैंड नेशन, कैरेबियन आइलैंड नेशन है। कैपिटल है किंगस्टन और इसकी करेंसी है जमाइकन डॉलर। करेंसी कैपिटल जितना जो आपके सामने आ रहे हैं साथ साथ याद करते जाओगे उतने इजीली याद हो जाएंगे। बाद में करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब कलेक्टिवली अगर इसे करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। तो यू कैन सी कि हमारे पास इसका लोकेशन कैरेबियन आइलैंड नेशन का पड़ जाता है। थोड़ा और क्लोजली इफ यू वॉन्ट टू सी जमाइका, दैट इज गिवन हेयर इन द पिक्चर।
जमाइका के आसपास, दिस इज जमाइका, दिस इज इट्स कैपिटल किंगस्टन, आसपास के जो फेमस आइलैंड्स हैं दैट इज क्यूबा, हेइती, पोर्टो रिको, ये सारा सेंट्रल अमेरिकन नेशन पड़ जाता है जिसमें हॉन्ड्रस, निकारागुए, कोस्टा रिका, पनामा, दीज और जो वाटर बॉडीज बड़े वाले साथ में है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, तो ये क्या है, लोकेलिटी है, जमाइका का स्पेसिफिक लोकेशन है, राइट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ जियो सावन। जियो सावन अ म्यूजिक एप्लीकेशन जिसके सीईओ है सहस मल्होत्रा, ए ऑप्शन सहस मल्होत्रा। जियो सावन इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्रीवियस अमेजॉन म्यूजिक डायरेक्टर आपके पास क्या बन गए हैं, इसके सीईओ बन गए हैं सहस मल्होत्रा। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2007 एज सावन, सिर्फ सावन था ये इनिशियली, अब ये क्या बन गया है, जियो सावन बन गया है, ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस फॉर साउथ एशियन म्यूजिक, ऑल काइंड ऑफ रीजनल लैंग्वेज म्यूजिक इसमें हमारे पास आपको मिल जाता है, स्ट्रीम होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ही इज सहस मल्होत्रा, ठीक है, द सीईओ ऑफ जियो सावन। सिक्स्थ क्वेश्चन इन द सीरीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टॉप द पीएसयू लेंडर्स चार्ट इन लोन ग्रोथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। दिस इज फाइनेंशियल ईयर 2022 और पीएसयू स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और जिस बैंक, जिस पीएसयू को हमारे पास टॉप रैंकिंग पे रखा गया है, इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र आउट ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है, द पीएसयू लेंडर चार्ट इज टॉप्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज इमर्ज्ड एज अ टॉप परफॉर्मर अमंग द पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन टर्म ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ। इट वॉज फॉलोड बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब टॉप पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेकेंड नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, थर्ड नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, और इनका जो लेंडर परसेंटेज है, लेंडिंग परसेंटेज है, दैट इज 10.27% एंड 9.66% रिस्पेक्टिवली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेडक्वार्टर्स पूना में है। यहाँ पे इस पिक्चर में आई हैव ट्राई टू डिस्प्ले 12 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें आप नाम देखोगे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। दीज आर द टॉप 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर। दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग द मोटो ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। द बैंक ऑफ महाराष्ट्र मोटो इज एक परिवार एक बैंक, इसको टैग लाइन कह सकते हैं हम लोग, दिस इज द टैग लाइन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक परिवार एक बैंक, क्योंकि न्यूज में है बैंक, तो यस इट्स टैग लाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेवेंथ क्वेश्चन, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे ऑब्जर्व किया जाता है मेरे पास मई 20 को। एंडेंजर्ड स्पीशीज जो लुप्त प्राय प्रजाति है, जो हमारे पास खत्म होते जा रहे हैं या हो सकते हैं कमिंग टाइम पीरियड में, तो मई 20 इज द डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी थर्ड फ्राइडे इन द मंथ ऑफ मे। दिस वॉज 16th इन नंबर, जो नेशनल एंडेंजर स्पीशीज डे था 16th था, और हर डे एंड डेट का थीम इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, जैसे डेट इम्पॉर्टेंट है वैसे ही थीम इम्पॉर्टेंट है, एंड द थीम इज रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, थीम यू हैव टू रिमेंबर इट एज इट इज। यहाँ पे डायग्राम में नेम ऑफ द फ्यू इंडियन स्पीशीज इज गिवन जो कि एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फॉर यू पीपल। जेपोर ग्राउंड गेको है, दैट इज गेटिंग एंडेंजर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, घड़ियाल। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, कोरल लीफ नोज्ड रैट, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, मालाबार सिविट, पिग्मी हॉग, सोशियबल लैपविंग, हंगुल कश्मीर रेड डियर, और ये दो स्पीशीज जो हैं दे आर लॉस्ट इन इंडिया, एक्सटिंक्ट हो गए हैं ये, एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक।
इसमें से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ दीज व्हिच वन इज नॉट एन एंडेंजर स्पीशीज और व्हिच इज एन एंडेंजर स्पीशीज, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी फ्रेमिंग हो जाती है। और जब हम लोग बात करते हैं एंडेंजर स्पीशीज का लिस्ट कौन मेंटेन करता है, तो द लिस्ट इज मेंटेन्ड इन द IUCN रेड डाटा बुक। The Red Data Book is famous for the compilation of the endangered species or the threatened species. IUCN का full form हमने generally सुना होगा, it is International Union for the Conservation of Nature. तो जैसा इसका full form है वही इसका function भी है, conservation of nature. This is IUCN. IUCN, it was established in 1948. Again, United Nation की organizations हैं. Year of establishment, headquarters जो कि Gland, Switzerland में है, इनके ऊपर भी question बन जाता है. Gland, Switzerland 1948, and अगर इनके CEO का नाम भी आप याद रख सकते हो तो it is Bruno Oberle. ठीक है, तो ये तीन चार चीजें यूनाइटेड नेशन की हर बॉडी के बारे में हमें पता होना चाहिए। फुल फॉर्म तो एनी हाउ मस्ट है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर्स एंड सीईओज और मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इट इज इम्पॉर्टेंट। तो IUCN मेंटेन्स द रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक दैट मेंटेन्स द कैटेगरीज और द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। एट क्वेश्चन, वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। तो वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, आउट ऑफ द ऑप्शंस मई 21, 22, 23 और 24। मई 23 टर्टल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, मई 23 को वर्ल्ड टर्टल डे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एजुकेट पीपल अबाउट द थिंग्स टू डू टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट्स ऑफ टर्टल्स एज वेल एज टोर्टोइसेस। टर्टल्स और टोर्टोइस को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को अवेयर करना। इस साल का जो थीम था इट वॉज शेली ब्रेक, वर्ल्ड टर्टल डे थीम वॉज शेली ब्रेक। अब टर्टल और टोर्टोइस दोनों टर्म्स मैंने यूज किए हैं, ज्यादातर लोगों को इनका डिफरेंस का आइडिया नहीं होता, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट टू नो टर्टल्स और टोर्टोइस में क्या डिफरेंस रहता है। नो, नॉट ऑल टर्टल्स आर टोर्टोइस, बट यस ऑल टोर्टोइसेस आर टर्टल्स बोला जाता है। इनके जो विंग्स रहते हैं, जो फीट रहते हैं, दे आर फ्लिपर बॉय, यहाँ पे चैंकी फुट है। फ्लैट स्ट्रीमलाइंड शेल है, जो शेल रहता है वो फ्लैट रहेगा, और इनका जो शेल रहता है टोर्टोइस का वो डोम लाइक होता है, डॉम यानी उभरा हुआ। ठीक है, टर्टल्स सी में रहते हैं एंड ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, राइट। और जो टोर्टोइस हैं दे मोस्टली लिव ऑन लैंड और दे आर द लवर्स ऑफ वेजीज। तो ये बेसिक डिफरेंस टर्टल और टोर्टोइस में। ठीक है, एक ऑलिव रिडली सी टर्टल्स का बात कर लेते हैं जो मेजरली ओडिशा में पाए जाते हैं, मतलब इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है इंडिया में, दैट इज इन ओडिशा, ओडिशा का कोस्ट लाइन। ऑलिव रिडली सी टर्टल, दे आर ऑल्सो वॉट एंडेंजर्ड एज पर IUCN लिस्ट। मेरे पास जो ऑलिव रिडली सी टर्टल्स हैं दे आर ऑल्सो थ्रेटन्ड एंड एंडेंजर्ड। और इंडिया में मेजरली इनको कहाँ पे पाया जाता है, दे आर इन ओडिशा, मतलब नियर बाय ओडिशा जो इनका ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है। और इनको पैसिफिक रिडली सी टर्टल्स के नाम से भी जाना जाता है, ऑलिव रिडली और पैसिफिक रिडली। ठीक, तो ऑलिव रिडली थोड़े टाइम के बाद न्यूज में आ जाते हैं जब इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है। सो नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डीकमिशन्ड एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। इनमें से कौन सी नेवल शिप है जिसको सेवा मुक्त कर दिया गया है नेवल शिप डॉकयार्ड इन मुंबई में। ऑप्शन आर INS गोमती, INS विक्रांत, INS गंगा, INS वरुणा। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज INS गोमती, जिसको डीकमिशन किया गया है। INS गोमती जो डीकमिशन हुई है नेवल डॉकयार्ड अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन सुदीप मलिक। और जो गोमती, इसको कमीशन किया गया था, मतलब इसको ऐड किया गया था इंडियन नेवी में, इट वाज ऑन 16 अप्रैल 1988। जो गोमती नाम है इट इज नेम्ड आफ्टर अ रिवर व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा।
यू कैन सी हेयर, ये मेरे पास मेजर रिवर गंगा है जो फ्लो कर रही है, उत्तराखंड, यूपी, फिर मेरे पास बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये मेरे पास फ्लो है सारा गंगा का। इसकी वेरियस ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें से एक गोमती भी है। इट इज गेटिंग मिक्स्ड इनटू गंगा। और गोमती कहाँ से आ रही है रिवर, इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो माधो टांडा विलेज फिलबिट बन जाता है। लेंथ इसकी 940 किलोमीटर्स के आसपास है। इंटायरली फ्लोजन यूपी, मतलब ओरिजिनेट भी यूपी में होती है, खत्म भी यूपी में हो जाती है गेटिंग मिक्स्ड इनटू गंगा। कॉन्फ्लुएंस गंगा के साथ है इसका। ट्रिब्यूटरीज का बात कर दो तो हैविंग 24 ट्रिब्यूटरीज के आसपास ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। जनरल बात करते हैं, मेजर मेजर में साई, कथीना, भैंसी, सारियान, गौन, रेत, पीली, कल्याणी, दिस आर द फ्यू नेम्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोमती। डिस्ट्रिक्ट कवर जो कर रही है गोमती, दे आर सीतापुर, लखनऊ, बाराबांकी, सुल्तानपुर एंड जौनपुर। उत्तर प्रदेश के ये मेजर डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो रहे हैं बाय रिवर गोमती। ठीक है, इंडियन नेवी का मोटो अगेन इम्पोर्टेंट, इट इज शर नो वरुण, मे वरुणा बी पीसफुल टू अस, इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इन द सीरीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने वाली पहली मेट्रो सिटी, अपना खुद का बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने वाली पहली मेट्रो सिटी कौन सी बनी है? ऑप्शंस है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आंसर टू द क्वेश्चन इज कोलकाता। कोलकाता बिकेम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर और पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर? तो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो रहता है वो बेसिकली इंक्लूड करेगा लोकली अवेलेबल बायो रिसोर्सेस। अवेलेबल बायो रिसोर्सेस मतलब जिसको जेनरल यूज में यूज किया जा सकता है, उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। एंड दैट पर टू एज पर द लैंडस्केप, मतलब के एरिया और विलेजेस के अकॉर्डिंग वो सारे एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा बायो रिसोर्सेज का, दैट इज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। एंड कोलकाता बिकेम द फर्स्ट मेट्रो सिटी जो एक डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनाएगी। कोलकाता इज अ सिटी, मेजर सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, इसका कैपिटल सिटी भी है, मेजर सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे इस पिक्चर में वेस्ट बंगाल को पिक्चराइज किया गया है विद ऑल द नेबरिंग कंट्रीज इट इज टचिंग। तो देखोगे आप नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, इन सभी नेबरिंग कंट्रीज को वेस्ट बंगाल क्या कर रहा है, टच कर रहा है, बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। क्लियर। और इंडिया और मेन लैंड, इंडिया मेन लैंड मतलब दिस इज द मेन लैंड पार्ट ऑफ इंडिया एट दिस साइड, एंड एट दिस साइड देर इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन दोनों के बीच में जो मेजर कनेक्टिविटी लैंड एरिया है इट इज वेस्ट बंगाल ओनली। वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक भी बोल दिया जाता है, राइट? सिलीगुड़ी कॉरिडोर और द चिकन्स नेक, दैट इज द मेजर कनेक्टिविटी पॉइंट बिटवीन इंडियाज मेनलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज सराउंडेड बाय दिस नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नेपाल एंड भूटान। आई होप दिस इज क्लियर। द लोकेशन, द हिंदी एक्सप्लेनेशन, एंड शी इज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बैनर्जी, मैडम ममता बैनर्जी। शी इज ममता बैनर्जी। आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू पीपल। आई जस्ट ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल ताकि आपको ईजिली याद रह जाए चीज़ें फॉर द लॉन्ग रन। आई होप दिस इज क्लियर। एंड प्लस इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस, कि आपको इसका पूरा वीडियो का PDF चाहिए, तो वो भी आपको पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगा, द पोर्टल ऑफ स्ट्रेट जीरो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।